खबर है मध्य प्रदेश से, जहां घर के बाहर खुले में डाला जा रहा है कचरा। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के महल गांव में खुले में डाला जा रहा है कचरा। नगर निगम का इस पर कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम द्वारा यहां पर कचरे के बड़े डिब्बे भी नहीं रखे गए हैं। यहां पर रह रहे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है और घरों के बाहर गंदगी बहुत फैल रही है और बदबू भी बहुत आ रही है। गंदगी फैलने से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे कि डेंगू मलेरिया वायरस फैलने का संभावना है। देखिए, ग्वालियर से अभिषेक चौरसिया की यह रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक चौरसिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय डेंगू मलेरिया ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू मच्छर बहुत फैल रहा है, तो ये सब होता है गंदगी से। और ग्वालियर के महल गांव में गंदगी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महल गांव में घरों के पास में काफ़ी ज़्यादा कचरा डल रहा है और खुले में कचरा डल रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना ही यहाँ पर जो कचरे के जो बड़े वाले डब्बे होते हैं वो रखे गए हैं। कचरा खुले में डल रहा है और घरों के पास में डल रहा है। तो आज हम आए हैं महलगांव में। तो महलगांव में ये है आपका नाम? सिंह सिंह माहौर। तो आप यहीं रहते हो? तो आपके घर के बाहर कचरा डलता है, आपने कभी नगर निगम में शिकायत की है? बहुत बार की है। तो नगर निगम ऑफिस पास में है, नगर निगम वालों ने कभी यहाँ पे बड़े डब्बे नहीं रखे? नहीं रखे। और तो ये खुले में कचरा कब से डल रहा है? बहुत दिन हो गए, 5-6 साल हो गए। अच्छा, इससे बीमारी का भी खतरा बहुत है। और आपके घर के पास में ये कचरा है जो है, आपके घरों के पास में उड़ उड़ के भी आता है।